हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनु क्रोशेट एंड क्राफ्ट। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए ये क्रोशिया से बना हुआ जैकेट जो कि यूनिसेक्स है। इसे जेंट्स फीमेल्स कोई भी पहन सकते हैं, बच्चों पे भी अच्छा लगेगा। तो ये सबके लिए ही बहुत खूबसूरत सा जैकेट बना के लाई हूँ मैं। चाहे अपने हस्बैंड के लिए बना लो, अपने लिए बना लो या बच्चों के लिए, कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हो इसमें। मैंने मैक्सिमम ब्लू कलर्स यूज़ किया है, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू, नेवी ब्लू और डार्क ब्लू और वाइट। आपके पास जो भी कलर है आप यूं कलर कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हो। मैंने इसमें थोड़ा सा ग्रे भी यूज़ किया है, कॉन्ट्रास्ट में वो अच्छा लग रहा था। सो मैंने इसमें ग्रैनी स्क्वायर्स को जोड़ जोड़ के बनाया है फ्रेंड्स। अलग अलग ग्रैनी स्क्वायर पहले मैंने बना लिया और फिर उनको जोड़ जोड़ के इस तरह से जैकेट रेडी कर लिया। इस तरह से मैंने इसमें बॉर्डर भी बनाया है, इसके नीचे के साइड और आगे के साइड और हाथों में। आप चाहो तो बॉर्डर बनाओ या आप वैसे भी छोड़ दोगे तो भी वो अच्छा लगेगा देखने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना फ्रेंड्स, और लाइक और शेयर ज़रूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमें इस तरह से ग्रैनी स्क्वायर बनाना है। मैंने जो कलर्स यूज़ किए हैं इसे बनाने के लिए वो हैं ग्रे कलर, स्काई ब्लू, रॉयल ब्लू, नेवी ब्लू और वाइट। आपके पास कोई सा भी कलर हो आप यूज़ कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा बचा हुआ एक एक गोला वुल अगर आपके पास बचा हुआ है किसी भी प्रोजेक्ट का, तो आप 4-5 कलर मिला के इस तरह से ग्रैनी स्क्वायर बना सकते हो। तो ग्रैनी स्क्वायर की पूरी ट्यूटोरियल है मेरे चैनल पे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसको देख के आराम से सीख सकते हो। और बिगनर्स के लिए मैं थोड़ा सा बता दूंगी कैसे बनाते हैं। तो हमें इस तरह से अलग अलग, ऐसा नहीं कि सेम बनाना है, हम अलग अलग पैटर्न में बना सकते हैं। देखिए ये दोनों सेम है, बाकी ये अलग अलग पैटर्न है। तो आपको इस तरह से जैसा आप चाहो अलग अलग वुल मिला के बना सकते हो। और इस तरह से हमें पूरे 24 चौकोर ग्रैनी स्क्वायर ऐसे बनाने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये 6 लाइन का है, 1, 2, 3, 4, 5 6 लाइन का है। मैंने ग्राफ बना के आपको समझाने के लिए रखा है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें बनाना है। पूरे 24 नंबर हमें चाहिए ऐसे स्क्वायर्स, 24 स्क्वायर्स बनाएंगे हम इस तरह से। और 12 होंगे पीछे के लिए और 8 होंगे आगे के लिए और 4 होंगे साइड के लिए। देखिए ये 12 ये पीछे का साइड होगा जिसमें हम 12 लगाएंगे, पीठ का साइड मतलब ये कॉर्नर मतलब कमर में हमारे जाएंगे ये दो दो, और ये मतलब कमर के ऊपर, और ये आगे का पार्ट होगा ये 4-4 मतलब 8 हमें आगे चाहिए, 4 हमें बगल में चाहिए और ये हमें पूरे 12 चाहिए पीछे के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने जो क्रोशिया हुक यूज़ किया है वो है 3 mm साइज़ का, ये देखिए। और वुल जो है वो 4-ply वुल है, आप कोई सा ही वुल ले सकते हो आपके पसंद के हिसाब से। सबसे पहले हम लूप बनाएंगे और लूप बना के हमें 5 चेन बनाना है, 1, 2, 3, 4, 5 5 चेन बना के हमें यूं करके स्लिप नॉट से बंद कर देना है। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3 और यहाँ पर यूं करके 1 डबल क्रोशे और 2 डबल क्रोशे, और जो हमने 3 चेन बनाया था उसे भी हम 1 डबल क्रोशे काउंट करेंगे। फिर हम 1 चेन बनाएंगे और यूं करके 1, 2, 3 फिर 1 चेन, फिर से 3, 1, 2, 3 तो हमें 3 डबल क्रोशे 1 चेन, 3 डबल क्रोशे 1 चेन, ऐसे करके 4 बार करना है, 2, 3 फिर 1 चेन, और यहाँ पर हम इसे स्लिप नॉट से
बंद कर देंगे। ये देखिए, तीन डबल क्रोशे एक चेन, तीन डबल क्रोशे एक चेन, तीन डबल क्रोशे एक चेन, तीन डबल क्रोशे एक चेन। ठीक है फ्रेंड्स, अब सेकंड लाइन पे हम यूँ करेंगे। यूँ करके हमने दो चेन बनाया और ये तीसरा चेन। अब फिर हम यहाँ पर एक डबल क्रोशे और ये हो गया हमारा दो डबल क्रोशे। फिर हम इस तीन डबल क्रोशे को छोड़ के यहाँ पे जो गैप है यहाँ पर एक दो तीन एक चेन, फिर एक दो तीन, फिर इस जगह पर हर गैप में हम तीन डबल क्रोशे एक चेन, तीन डबल क्रोशे करेंगे, तीन एक, फिर एक दो तीन। ये देखिए, अब यहाँ पर एक डबल क्रोशे दो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे चैनल पे इसकी फुल ट्यूटोरियल है कि ग्रैनी स्क्वायर कैसे बनाते हैं। मैंने इसे मैट भी बनाया है, पोंचो भी बनाया है, आप वो जाके देख सकते हैं। एक दो तीन, फिर यहाँ लास्ट में देखिए एक दो तीन, और एक चेन करके हम यहाँ इसे स्लिप नॉट से बंद कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा एक छोटा सा स्क्वायर बन गया, बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, अब आगे मैं बताती हूँ आपको वूल चेंज करना है। इसमें मैं वाइट वूल लगाऊंगी। अब देखिए, वाइट वूल लगाने के बाद हमें एक दो तीन चेन बनाना है और एक डबल क्रोशे और दो डबल क्रोशे। फर्स्ट जो तीन चेन बनाया हमने उसे भी हम वन काउंट करेंगे। फिर इस गैप में एक दो तीन, फिर इस गैप में एक दो। हमें ये डिज़ाइन बनाना है फ्रेंड्स। इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि आप यही सेम बनाओ, आपको जैसा पसंद आए आप वैसे बना सकते हो वूल चेंज कर करके। ये देखिए, तीन एक चेन, फिर से एक दो तीन। अब यहाँ पर इस गैप में एक दो तीन, फिर यहाँ पर एक दो तीन, एक चेन। कोनों में बस हमें चेन देना है, बीच में कोई चेन नहीं देना है। तीन, फिर इस गैप में एक दो तीन। यूं करके तीन तीन डबल क्रोशे करते जाना है। कोनों में तीन डबल क्रोशे एक चेन, तीन डबल क्रोशे, बाकी हर गैप में हमें सिर्फ तीन डबल क्रोशे करना है बिना किसी चेन के। एक दो तीन, एक दो तीन, और अब आखिरी कॉर्नर में एक दो तीन और एक चेन, फिर यहाँ पर ऐसे करके स्लिप नॉट से बंद कर देंगे। तो ये देखिए, हमारा एक स्क्वायर तैयार हो गया, है ना आसान। तो ये मैंने तीन लाइन बनाया है, तीन लाइन और बनाऊंगी। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए एक दो तीन लाइन बनाया, एक दो तीन, फिर दो लाइन ब्लू बनाऊंगी और एक लाइन इस तरह से। तो पहले लाइन में हमने चार तीन तीन डबल क्रोशे का सेट बनाया, उसके बाद हमने आठ बनाए। इस तरह से बढ़ाते जाना है, हर गैप में हमें तीन तीन करना है, सिर्फ कोनों में जाके हमें तीन डबल क्रोशे एक चेन, तीन डबल क्रोशे करना है।
क्योंकि कॉर्नर में हम घर बढ़ाते हैं आगे की तरफ बढ़ने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको ये पूरा बना के दिखाती हूँ, फिर मैं बताऊँगी आपको इनको मैं ज्वाइन कैसे करूँगी। सो दोस्तों, ऐसे हमें 24 इस तरह के स्क्वायर बनाने हैं, 6-6 लाइन के। और बनाने के बाद फिर हम दो लेके, दो को एक साथ रख के यूँ पलटी कर देंगे ऐसे करके, और इसमें ब्लू वुल से, क्योंकि मैं इसे ब्लू का बेस दे रही हूँ, आप जो वुल ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, जो आपके पास ज़्यादा बचा होगा, आप वही वुल लगाना आपके पसंद के हिसाब से। देखिए मैंने कॉर्नर में गांठ बांध दिया, और फिर बस हमें इन दोनों को मिला के यूं करके, देखिए बस मैंने ये कॉर्नर में यूं घुसाया ऐसे ऐसे, ये देखिए चेन से चेन को यूं पकड़ के ऐसे करना है बस, ये देखिए हर चेन को पकड़ के यूं बंद कर देना है, और जो गैप है उसमें गैप में यूं कर देंगे, बाकी हम हर चेन में इस तरह से करके बंद करते जाएंगे। और फिर हमें पीछे की साइड के लिए पूरे, जैसे मैंने बताया था, आगे हमें 4-4 का बनाना है, साइड में 2-2 का, और पीछे के साइड के लिए हमें पूरे चाहिए 12। तो इस तरह से ही हमें सबको आपस में मिला के सिल देना है कहा जाए तो। अगर आपको ऐसे करने में दिक्कत हो तो आप सुई धागे से भी जैसे स्वेटर की सिलाई करते हैं वैसे कर सकते हो। देखिए बस दोनों चेन्स को आपस में पकड़ के यूं करके बंद कर देना है, और कोने में पहुंच के 2 बार ऐसे कर देना है। तो ये देखिए इस तरह से ये आपस में जुड़ गए, लग रहे ना अच्छे। तो मैंने समय कम बचाने के लिए, समय की बचत के लिए बना के रखा है ये पीछे का साइड। ये देखिए दोस्तों यूं करके, ये देखिए पीठ का साइड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10, 11, 12। तो ये पीठ का साइड है, और फिर मैं इसके बगल में यहाँ पे यूं करके 2 लगाऊंगी इस साइड, और 2 लगाऊंगी इस साइड, ये देखिए यूं करके, और फिर आगे की साइड में 4-4 लगाऊंगी। और फिर जब ये 4-4 आगे की साइड लग जाएगा तो फिर हम कंधे बनाएंगे, यहाँ से कंधे बनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको पूरा जॉइन करके आगे का और साइड का सिल करके फिर दिखाती हूँ कि कंधे कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, सो फ्रेंड्स मैंने इसे जोड़ दिया है कमर के ऊपर की साइड और आगे की साइड को, ये देखिए 4 आगे की तरफ है, इस तरफ 4 आगे और उस तरफ का 4, और कोनों में 2-2, ये देखिए इस तरह से मैंने, मुझे आर्म होल काफ़ी बड़ा लग रहा था फ्रेंड्स, तो मैंने हाफ ग्रैनी स्क्वायर बना के उसे इस तरफ जोड़ दिया है। और हाफ कैसे बनाते हैं अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको बनाकर बताती हूँ हाफ ग्रैनी स्क्वायर, और उस साइड का आर्म होल में मैं आपको बनाकर जोड़ के बताऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए मैंने नीचे बॉर्डर भी बना लिया है, इसके नीचे का बॉर्डर मैंने 5 लाइन बनाया है, आप चाहे 2 लाइन बना लो या इससे बड़ा भी बना सकते हो, जैसे हम निटिंग करते हैं उसमें बॉर्डर दिखता है वैसा ही दिखता है ये। और मैं इसके गले में और नीचे से लेके ऊपर तक बटन पट्टी जो होता है वहाँ से वहाँ तक बनाऊँगी, और आर्म होल्स में बनाऊँगी तो नेक पे भी आ जाएगा आगे की साइड भी। और इस तरह से आर्म होल में बनाने के बाद यहाँ पर देखिए इस साइड का बना लूँगी, आपको बनाकर बताऊँगी मैं अभी। सो फ्रेंड्स ये मैंने ग्रे कलर का वुल लिया और इसमें 1, 2, 3, 4 चेन बनाया, स्लिप नॉट से उसे बंद कर दिया, फिर 1, 2, 3 चेन बनाया, और फिर 1 डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे और 2 चेन, 1 डबल क्रोशे 2
तीन, फिर से दो चेन और फिर से तीन डबल क्रोशे। तो तीन तीन डबल क्रोशे और दो दो चेन का हमें तीन बार करना है इस तरीके से। गणेश स्क्वायर में हम चार बार करते हैं, ये हम हाफ बना रहे हैं इसलिए हमने तीन बार ही किया है। अब हम इसे पलट लेंगे और पलट के एक दो तीन चेन बनाया और जो गैप है हमारा तीन डबल क्रोशे के बाद वाला, उस गैप में हम तीन डबल क्रोशे, फिर से दो चेन और तीन डबल क्रोशे इस तरह से बनाएंगे। फ्रेंड्स ये देखिए तीन डबल क्रोशे दो चेन बनाया मैंने, फिर मैं तीन डबल क्रोशे बना रही हूँ बिना चेन दिए। अब नेक्स्ट गैप में सेम हम इसी तरह से तीन डबल क्रोशे दो चेन तीन डबल क्रोशे बनाएंगे। और अब फिर से नेक्स्ट जहाँ से हमने शुरू किया था मतलब ऊपर में, हम इस तरह से एक डबल क्रोशे कर देंगे और इस तरीके का हमारा ये हाफ ग्रैनी स्क्वायर दिखेगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसमें वूल दूसरा लगा लूँगी स्काई ब्लू कलर, और वो लगा के तीन चेन बनाया मैंने ऊपर की साइड, एक डबल क्रोशे दो डबल क्रोशे, और अगले गैप में फिर से वैसे ही हमें करना है तीन डबल क्रोशे दो चेन तीन डबल क्रोशे। अगली गैप में बिना कोई चेन दिए हम बनाएंगे तीन डबल क्रोशे, ये बीच का पार्ट हो गया। और फिर कॉर्नर आ गया तो यहां पर वैसे ही तीन डबल क्रोशे दो चेन तीन डबल क्रोशे। ग्रैनी स्क्वायर जैसे बनाते हैं फ्रेंड्स उसी का ये हाफ ग्रैनी स्क्वायर है। फिर से बिना कोई चेन दिए यहाँ पर हम एक डबल क्रोशे दो डबल क्रोशे तीन डबल क्रोशे, और अब फिर हम इसमें वूल चेंज कर लेंगे। और ये देखिए ये हमारा तीन लाइन बन गया, और इसके ऊपर मैं और तीन लाइन बनाऊंगी उसके बाद ये पूरा हो जाएगा हमारा। ये देखिए मैं पहले वाइट से बनाऊंगी उसके बाद फिर दो लाइन मैं ब्लू से बनाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने स्काई ब्लू से बनाया फिर वाइट से फिर स्काई ब्लू से, तो मैं टोटल ये दो तीन चार पाँच बना है, और फिर अब इसके ऊपर ब्लू से बनेगा और उसको साथ साथ में यहाँ पे जोड़ भी दूंगी बनाते बनाते ब्लू लाइन का। ये देखिए टोटल छह लाइंस का हमने बनाया है ये ग्रैनी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम हाफ बना रहे हैं, ये देखिए जो बीच का पॉइंट है जहाँ से हाफ होगा हमारा वो वाला ग्रैनी स्क्वायर, वहाँ से हम पकड़ के इसे आपस में यू बनाते भी जाएंगे ग्रैनी स्क्वायर और जोड़ते भी जाएंगे, तो एक साथ हमारा दोनों काम हो जाएगा। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा हो ऐसे जोड़ने में तो आप हाफ ग्रैनी स्क्वायर बना के अलग से भी जोड़ सकते हो। ये देखिए कोने से कोना पकड़ के हमें बंद कर देना है और ऐसे ही हम इसे तीनों साइड से जोड़ लेंगे यू करके। ये देखिए हमारा कॉर्नर आ गया, तो इस हाफ ग्रैनी स्क्वायर का कॉर्नर और जो फुल ग्रैनी स्क्वायर के कॉर्नर्स हैं उनके साथ हम बीचों बीच इसे सेम पॉइंट पे जोड़ लेंगे। ये देखिए यहाँ पर, और फिर से हमें तीन डबल स्क्वायर सॉरी तीन डबल क्रोशे करना है। फिर जोड़ना है, हर तीन डबल क्रोशे के बाद हमें इसे दूसरे के साथ मतलब मेन स्वेटर के साथ हमें इस हाफ स्क्वायर को जोड़ते जाना है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए फ्रेंड्स तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ये देखिए इसी तरीके से मैं इसे इन दो साइड से भी जोड़ लूँगी, और जब ये जुड़ जाएगा
तो हम इसके ऊपर के साइड भी ब्लू से क्रोशेटिंग कर लेंगे। फिर मैं पूरे आर्म होल में भी वैसे बॉर्डर बनाऊंगी। उसके पहले मैं कंधों को जोड़ लूंगी। ये देखिए हमारे पीछे के साइड में हमने तीन लाइन का मतलब तीन हमारे ऊपर के साइड आया है, नीचे के साइड तीन है और लंबाई में हमने चार जोड़ा है। टोटल हमारे 12 हैं पीछे, आगे की तरफ चार चार और हमारे बगल में कमर के ऊपर दो दो और हाफ हाफ हमने फिर और जोड़ा उसमें। ये देखिए ये हमारा पीछे का साइड, आगे का साइड में इस तरीके से हम इस तरफ जोड़ लेंगे, फिर इस तरफ जोड़ लेंगे और बीच में हमारा गले का ये खुला हुआ भाग रहेगा, नेक वाला पार्ट बनेगा बीच में और फिर वो नेक वाले पार्ट से लेके आगे वाले पार्ट में नीचे तक हम बॉर्डर बनाएंगे। इस तरीके से बॉर्डर बन जाएगा जैसे हमने नीचे बनाया था। सबसे पहले हम इनको आपस में जोड़ लेंगे और फिर हम आर्म होल्स को भी ऐसे बॉर्डर बना के पूरा कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने इसे जोड़ लिया है इस साइड से यू करके और ये आर्म होल्स में भी हम बॉर्डर बनाएंगे। इस साइड का मैंने खुला रखा है, आपको बता दूं कैसे जोड़ा है मैंने, बस जैसे हमें ग्रैनी स्क्वायर के साथ ग्रैनी स्क्वायर जोड़ना होता है, हमें एक दूसरे को ऊपर एक के ऊपर रख के दोनों के जो चेन्स हैं उनको मिला मिला के बस बंद करते जाना होता है। चाहे आप ऊपर की तरफ से जोड़ लो या आप अंदर की तरफ से, ये आपकी मर्जी है। ऊपर की हमें सिलाई दिखती है तो मैं प्रेफर करती हूँ अंदर की तरफ से ही करना। मैंने इनको दोनों को पकड़ के जोड़ लिया। अब मैंने इसको उल्टा कर लिया और उल्टा करके अंदर के साइड से मैं चेन से चेन पकड़ के इन्हें जोड़ती जाऊंगी, जैसे हम सिलाई करते हैं ना स्वेटर की निटिंग में, वैसे ही आप चाहो तो सिलाई से भी कर सकते हो। सुई में धागा डाल के वूल डाल के आप इसको सिल सकते हो अगर आपको क्रोशिया से करने में दिक्कत आ रही है तो। ये देखिए इसी तरीके से मैं इस कंधे को भी पूरा जोड़ लूँगी और फिर आर्म होल में ये जो हमने पट्टी बनाई थी हाफ वाली, इसके ऊपर एक लाइन ब्लू बनाऊंगी और फिर हम इसके ऊपर बॉर्डर बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके का बॉर्डर। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने जोड़ लिया है और अब मैं आपको बॉर्डर कैसे बनता है वो बताऊंगी बनाकर। दोनों आर्म होल्स में बनाएंगे पहले हम। ये देखिए हम स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, कहीं से भी आप पॉइंट ले सकते हो। पहले वूल पे गांठ लगा लिया और फिर इस तरह से फ्रेंड्स हमें हाफ डबल क्रोशे करना है हर चेन के ऊपर एक एक बार। ठीक है फ्रेंड्स, हमें घर भर नहीं बढ़ाना ना ही घटाना है, बस हमें हर चेन के ऊपर मतलब जो हमने स्क्वायर्स बनाए थे उनके हर चेन के ऊपर हमें एक एक हाफ डबल क्रोशे करना है इस तरीके से। ऐसे ही मैं पूरा लाइन हाफ डबल क्रोशे करके फिर नेक्स्ट बताती हूँ। ये देखिए पूरा लाइन मैंने हाफ डबल क्रोशे कर लिया। अब हमें फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशे नहीं हाफ डबल क्रोशे करूँगी मैं। ये देखिए मैंने दो चेन बनाया और ये देखिए इस तरीके से आगे से क्रोशिया में यूं घुसाया मैंने और ऐसे फ्रंट पोस्ट बनाया। तो हम तीन बार इस तरीके से फ्रंट पोस्ट करेंगे। ये देखिए सामने से मैंने वूल घुसाया और निकाला। अब पीछे से करेंगे बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशे। ये देखिए एक दो तीन,
ये बड़ा ही खूबसूरत बॉर्डर बन के आता है फ्रेंड्स। स्ट्रेचेबिलिटी भी होती है इसमें, खिंचाव भी आती है। ये देखिए फिर से तीन फ्रंट पोस्ट, एक दो तीन, फिर तीन बैक पोस्ट, एक दो तीन, तीन तीन फ्रंट पोस्ट, तीन तीन बैक पोस्ट, ऐसे करके हम पूरा चार पांच लाइन इसी तरह से बना लेंगे फ्रेंड्स और हमारा बॉर्डर पूरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए तो ऐसे ही मैं चार पांच लाइन बना के जितना आपको मोटा चौड़ा बॉर्डर चाहिए। देखिए यहाँ नीचे की तरफ मैंने टोटल फाइव लाइंस बनाए हैं। हाथों पे मैं चार ही बनाऊंगी या तीन बनाऊंगी। देखिए इस तरीके से नीचे का बॉर्डर पूरा बन गया है। अब आर्म होल्स दोनों साइड का बनाऊंगी मैं। और फिर आगे का जो बटन पट्टी होता है वो बनाऊंगी, साथ साथ गला भी बन जाएगा। नीचे से शुरू करूंगी और गले तक जाके फिर नीचे आ जाऊंगी दूसरे साइड से। ऐसा ही बॉर्डर बना के फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। ये देखिए सब तरीके से, सब तरफ से मैं इसका बॉर्डर बना के फिर आपको आगे बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने हाथों में भी बना लिया है बॉर्डर। ये हाथों का बॉर्डर हो गया दोनों साइड का, आर्म होल्स ये देखिए इस तरीके का दिख रहा है। और नीचे का बॉर्डर मैंने पहले ही बना लिया था। और ये बटन होल पट्टी जो है वो बन गई है। तो आप चाहो इसमें जिप भी लगा सकते हो या बटन्स लगा सकते हो, चुटपुट बटन या दूसरे बटन भी लगा सकते हो आप। होल्स की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें लूप्स बना सकते हो। तो मैं तो इसे ऐसे ही ओपन रखूँगी, ओपन जैकेट की तरह यूज़ करूँगी। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये यूनिसेक्स क्रोशिया जैकेट? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। शेयर ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, आपका एक शेयर मेरी बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी माई यूट्यूब फैमिली। बाय बाय, टेक केयर।